स्टूडेंट्स, आज हम लोग अध्याय 3 में उष्मा और ताप पढ़ेंगे। उष्मा और ताप, हीट एंड टेम्परेचर। तो देखते हैं ना, दैनिक जीवन में हम लोग कई ऐसे वस्तु होती है जिसमें कितना गर्म है कितना ठंडा है वो अनुभव करते हैं ना। जैसे हम लोग खाने की चीज़ों में, खाना को पकाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, गर्म चीज़ों की मतलब गर्माहट की आवश्यकता होती है, लेकिन खाना को खराब होने से बचाने के लिए क्या करते हैं, उसको ठंडा में रखते हैं। वैसे ही ठंडी के दिनों में हम लोग क्या करते हैं, कंबल ओढ़ते हैं, और गर्मी के दिनों में हम लोग गर्मी से बचने के लिए पंखा या कूलर चलाते हैं। तो वो सब किसके ऊपर डिपेंड करता है, वातावरण के ऊपर डिपेंड करता है कि हमको कितना ठंडा की आवश्यकता है कितनी गर्म की आवश्यकता है। उसी प्रकार कितना गर्म है या कितना ठंडा है उसको हम कैसे जानेंगे, जैसे यहाँ पर कई चीज़ें दी हुई है कि वस्तु का तापमान बताने के लिए क्या करते हैं, जैसे गुनगुना पानी है, गुनगुना जो पानी होती है वो उबलते पानी की, देखो गुनगुना पानी भी क्या होती, गर्म होती है ना, और उबलते पानी भी क्या है, गर्म पानी है। लेकिन हम दोनों की जब तुलना करेंगे, गुनगुना पानी और गर्म पानी की, तो दोनों को गर्म बोलेंगे, लेकिन एग्जैक्ट की कौन कितना गर्म है तो उसके लिए हमको क्या जरूरत पड़ती है, पैमाना की जरूरत पड़ती है ना, एक उपकरण की आवश्यकता पड़ती है कि हम उसको कैसे बता पाएंगे कि कौन सा पानी या कौन सी जो भी द्रव चीजें हैं वो कितना गर्म है और कितना ठंडा है। तो उसको बताने किसी भी चीज में, तो उसको क्या, उसके लिए क्या आवश्यकता पड़ती है, एक पैमाना की आवश्यकता पड़ती है, ताकि हम उसकी सटीक मापन कर सके और बता सके वो कितना ठंडा है और वो कितना गर्म है। जैसे यहाँ पे क्या किया गया है, टेम्परेचर, तापमान लिया गया है ना। तो यहाँ पे एक चित्र दिखाया गया है, देखो एक ही वस्तु ठंडी और गर्म दोनों हो सकती है। यहाँ तीन भाग में इसको डिवाइड किया गया है, ऊपर भाग क्या है, गर्म है, बीच क्या है, गुनगुना है, और नीचे क्या है, ठंडा है। जैसे हम कोई रैट को ही ले लेते हैं, आग में डालते हैं, तो उसके किनारे की भाग क्या हो जाती है, गर्म, मध्य भाग क्या हो जाती है, गुनगुना, और नीचे के भाग क्या होगी, ठंडा होगी। तो हम ये एक ही सिक्के की दो पहलू कह सकते हैं कि एक ही वस्तु क्या होती है, गर्म भी होती है और ठंडा भी होती है। तो इसको हम बताने के लिए क्या करते हैं, वह कितना गर्म है, मध्य भाग कितना ठंडा है, उसके लिए क्या करना है, तुलनात्मक परीक्षण करते हैं, तुलना करते हैं कि इसके अलग अलग भागों में गर्माहट, ठंडा और गुनगुना कितना है, उसके लिए हम तुलनात्मक परीक्षण करते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक क्रियाकलाप किया गया है, एक एक्सपेरिमेंट किया गया है। देखिए चित्र में आपको एक शीशी दिखाई दे रही है, आवश्यक सामग्री यहाँ पर क्या क्या लिया गया है, कांच की छोटी सी शीशी, एक्स्ट्रा मतलब एक पाइप होती है, स्याही, पानी, टेप और पुट्टी लिया गया। तो इसमें क्या करते हैं, जो ये शीशी है इसके ढक्कन में छेद किया जाता है, और छेद करके इस पाइप को डालते हैं, और अंदर में पानी, शीशी के आधे भाग में पानी डालते हैं, और पानी में हम स्याही की बूंदे डालते हैं। देखो ना, नीले कलर दिखाई दे रही है ना, वो क्यों दिखाई दे रही है, क्योंकि इसमें स्याही डला है। ठीक है, अब क्या करते हैं, शीशी को ऐसा बंद करते हैं कि इसमें एयर ना जाए, फिर ऊपर उसका ओपन कर देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, हाथ, दोनों हाथ को आपस में रगड़ते हैं, और जब हाथ अच्छे से गर्म हो जाता है तब हम शीशी को जैसे मुट्ठी बांध के पकड़े हैं वैसे पकड़ते हैं। अब इससे क्या होता है, देखो ये पाइप जो एक्स्ट्रा डाले रहते हैं, इसको पूरे नीचे तली तक टच किया करे ऐसा नहीं डालना है। उसको कैसे डालना है, थोड़ा ये पानी में टच रहे और ऊपर भाग में रहे। अब देखो इस गर्म हाथों से जब छुएंगे तो क्या बॉटल गर्म होगी कि नहीं होगी, होगी ना। तो क्या होगा, यहाँ पर जो गर्माहट है वो उष्मा का प्रसार है, वो अंदर जाएगा, और अंदर जाएगा तब क्या होगा, वहां पर फैलाव होगा, आयतन में वृद्धि होगी, और हवा का दबाव बनेगा। जब हवा का दबाव बनता है तब क्या होता है, जो लिक्विड चीजें होती है वो क्या होता है, ऊपर की ओर बढ़ते जाती है। देखो किसी भी चीज को आप दबाओगे तो अपने लिए जगह बनाने के लिए क्या करता है, आगे बढ़ता है ना। तो उसी प्रकार क्या होता है, जब गर्म हाथों से हम छूते हैं तो उष्मा अंदर जाके प्रसार करता है, गर्म हवा का दबाव बनता है, और दबाव बनने से क्या होता है, जो लिक्विड होता है, द्रव होता है, वो ऊपर चढ़ता है। देखो पाइप में यहाँ पर ऊपर स्याही की लेवल और पानी की लेवल ऊपर चढ़ गया। ये किस सिद्धांत पर कार्य कर रखता है, आप लोग देखते हो ना, जब आप लोगों को फीवर होता है, हॉस्पिटल जाते हैं तो क्या करते हैं, डॉक्टर थर्मामीटर
से बुखार चेक करते हैं, करते हैं कि नहीं करते हैं। तो थर्मामीटर में क्या होता है, पारा होता है नीचे, और जैसे ही आपका टेम्परेचर हाई होता है तो पारा क्या होता है, ऊपर चढ़ते जाता है। सेम वही प्रोसेस को यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करके दिखाया गया, और ये उसी थर्मामीटर की जो सिद्धांत होती है उसी सिद्धांत पर ये कार्य कर रहा है। ये कौन सा वैज्ञानिक ने इसको आविष्कार किया, गैलीलियो ने, गैलीलियो नामक जो वैज्ञानिक है उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और इसका थर्मामीटर का आविष्कार किया। ठीक है, तो समझ में आ गया एक्सपेरिमेंट से। फिर आगे कुछ पैमाना है, क्या क्या पैमाना है, देखो तापमापी का कुछ पैमाना है। तो यहाँ तीन प्रकार का पैमाना, केल्विन, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। देखो हम लोगों को जब भी फीवर चेक करते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं, सेल्सियस में बताते हैं, लेकिन हम लोगों का तापमान हमेशा फ़ारेनहाइट में ही चेक होता है। फ़ारेनहाइट में क्या होता है, अधिकतम तापमान कितना होता है 212 फ़ारेनहाइट, और न्यूनतम कितना होता है 32 फ़ारेनहाइट होता है। अब 112 और 32 कितना पैमाना में अंकित किया जाता है, उसको 180 भागों में डिवाइड किया जाता है। यहाँ जो डिवाइड उसको किया गया है ना, उसको में कितना भाग होता है, 180 भाग होता है। उसी प्रकार ये सेल्सियस, सॉरी ये है फ़ारेनहाइट, तो फ़ारेनहाइट में कितने भागों में डिवाइड किया गया है, 32 से लेकर 112 मतलब 180 भागों में इसको डिवाइड किया गया है। उसी प्रकार से सेल्सियस, ये सेल्सियस का पैमाना होता है। तो सेल्सियस में क्या करते हैं, इसमें अधिकतम कितना होता है, जो उबलते हुआ पानी होता है तो सेल्सियस में बताते हैं ना 100 सेंटीग्रेड करके, वही सेल्सियस है। तो कितना होता है अधिकतम 100, और न्यूनतम जो बर्फ जमा रहता है वो कितना होता है 0। उसी प्रकार जब उसको फ़ारेनहाइट में नापेंगे उबलते जल को तो 112 बोलेंगे, और जब बर्फ बनती है तो 32 फ़ारेनहाइट होगा। ठीक है, दोनों में यही अंतर है। तो ये कितने का खंडों में बटा हुआ है, ये 100 खंडों में बटा हुआ है। अब जैसे आपके पास कोई क्वेश्चन बनता है उसके लिए यहाँ फॉर्मूला दिया गया है, प्रथम तापमापी कौन सा है ये, ठीक है, तो इसका क्या है पैमाना, तापमापी पैमाना, ठीक। तो तापमापी जैसे फ़ारेनहाइट लिए तो फ़ारेनहाइट एफ लिख दिए, न्यूनतम कितना होगा, फिर अधिकतम मान कितना होगा माइनस न्यूनतम मान। उसी प्रकार द्वितीय तापमापी पैमाना में प्रथम तापमापी पैमाना न्यूनतम न्यूनतम बिंदु, उच्चतम बिंदु और माइनस न्यूनतम बिंदु। तो यहाँ पर जैसे एक क्वेश्चन दिया उदाहरण में कि डॉक्टर द्वारा हमारा सामान्य तापमान 98.100 फ़ारेनहाइट है, मतलब कितना बताया जा रहा है 98.6 फ़ारेनहाइट बताया जा रहा है, तो उसको सेल्सियस में आप कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, यहाँ जो मैं फॉर्मूला बताई हूँ ना उसी में आपको मान को रखते जाना है। तो देखो फ़ारेनहाइट माइनस न्यूनतम कितना होता है 32 होता है, अधिकतम कितना होता है 212 माइनस 32। उसी प्रकार का सेंटीग्रेड में कितना होता है 0, अधिकतम 100 और माइनस न्यूनतम कितना होता है इसका 0, समीकरण 1 से। अब उसमें आपको मान रखते जाना है, तो न्यूनतम 32 है ना, फिर यहाँ पे 112 माइनस 32 तो कितना आ गया 80, और इसमें 100 आ जाएगा। फिर क्या करना है, इसको 25 से डिवाइड कर देना, इसको भी डिवाइड कर देना, तो यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 9 आ जाएगा, और ये ऊपर का मान वैसी के वैसे ही रखना है। फिर क्या कर देना है, इसको पक्षांतर कर देना, तो 5 जो है यहाँ चले जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा। फिर क्या होगा, 5/9 फ़ारेनहाइट माइनस 32 इक्वल सेंटीग्रेड। अब देखो, अब यहाँ पे मान कितना रखने बोला है डॉक्टर, जो मान बताए हैं कितना है 98.6 फ़ारेनहाइट है, तो 98.6 फ़ारेनहाइट को आप किस में रखोगे, यहाँ पर रखोगे, यहाँ रखे हैं ना, तो सेंटीग्रेड को इधर ले आना है, इसको पक्षांतर करके इधर कर देना है, और 98.6 माइनस 32, तो इसको माइनस करोगे कितना आ जाएगा 66.6। अब इसको आप यहाँ से काटोगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 37 सेंटीग्रेड। तो मनुष्य का सामान्य तापमान कितना होगा सेंटीग्रेड में 37, और फ़ारेनहाइट में कितना होगा 98.6। तो ये एक आपको एग्जाम्पल मैं बता दी हूँ, उसी प्रकार से ये वाला आप लोगों को बनाकर दिखाना है।